अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर शहरातील मोहन भवन प्रतिष्ठानच्या वतीने कमल मोहन योजनेतील लाभार्थ्यांना राशन किटचे वाटप करण्यात आले। या प्रसंगी पैशांचा अहंकार न बाळगता लॉकडाऊन कालावधीत जरूरतमंदांच्या घराघरापर्यंत पोहोचून त्यांची भूक शमवणारे मोहन भवन प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष विनोदभाई लोढा व त्यांची टीम आपल्या कृतीतून खरा मानवता धर्म निभावत असल्याची भावना परमपूज्य साध्वी डॉक्टर सत्यसाधनाजी महाराज साहबा यांनी व्यक्त केली। जो इन्होंने पिछले जन्म में कुछ ऐसा अच्छा पुण्य कार्य किया होगा और यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, वो पुण्य कार्य कर रहे हैं। ये दान वाटप करना ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसे मेवाड़ में कहा जाता है कि मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप ने क्या किया था, वो खुद भूखा रहा लेकिन अपने प्रजा को भूखा नहीं रहने दिया, यानी किया भूखा नहीं रहने दिया। लेकिन कई कई लोग ऐसे होते हैं कि रहते हुए भी क्या नहीं होता है, अपना हाथों से दान पुण्य किया जाता है। लेकिन हमारे विनोद जी लोढ़ा ने जो अपने पास जो संपत्ति है उसका उन्होंने क्या करा, सदुपयोग कर रहे हैं। तो ये कैसे, एक जैसे राजा महाराजा जैसे इनको बोल दूँ कि इन्होंने बहुत बड़ा कार्य हाथ में लिया है, महाराणा प्रताप के जैसे उन्होंने प्रजा को भूखे नहीं रहने दिया, उन्होंने घास रोटी खाई लेकिन प्रजा को जो भी अन्न अपने अन्न भंडार के अपने राजकोष के अंदर जो भी अन्न था वो उन्होंने क्या किया, प्रजा के अंदर दिया, वाटप किया। जैसे ही विनोद भैया ने भी अभी अभी पता चला कि जैसे लॉकडाउन चल रहा है तब से वो अभी तक क्या करते जा रहे हैं, साधर्मी बंधुओं को और दूसरे भी बंधुओं को क्या कर रहे हैं, ये अन्न का वाटप दे रहे हैं। तो हमारी तरफ से उप प्रवर्तनी सत्य साधना जी महाराज साहब की ओर से, आदि थाना साहब की ओर से, विनोद जी लोढ़ा और सो वंदना लोढ़ा को हम साधुवाद के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।